तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मस्त बेहतरीन जॉब। बिल्कुल सही सुन रहे हो। कंपनी नेम मैं पहले ही बताना चाहूँगा, आई एनर्जाइजर कंपनी होने वाली है। कंपनी लोकेटेड कहाँ है, सैलरी क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हो आप, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है, सब चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहो, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसी चैनल पे अपलोड होगी वो भी, जो कि जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड इन्फॉर्मेटिव ही होगी, ठीक है। तो वो भी जाओ देखो, शॉर्ट्स वीडियो भी मेरी देखो। उसमें क्या है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके जो नॉर्मल से हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होंगी। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी होगी तो लॉन्ग वीडियो देखो, अगर शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखो, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा कराना किया नहीं किया बताओ कमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। हम जल्दी से बढ़ते हैं अपनी डिटेल की तरफ। तो कंपनी ने, जैसा कि मैंने बताया आपको, आई एनर्जाइजर कंपनी है, सैलरी बहुत अच्छी दे रही है, 35,000 रुपये CTC है फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो दो आस्क है इनकी, हमेशा दो आस्क होती है। एक ये आस्क होती है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, दूसरी आस्क ये होती है कि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी भी हाथ पे आपको जो है ये जॉब मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कैब फैसिलिटीज़ की, तो फ्रेंड्स अभी जो 35,000 रुपये की CTC है इसमें कैब प्रोवाइड नहीं करा रही है कंपनी, ठीक है। आई एनर्जाइजर कैब प्रोवाइड नहीं कराती क्योंकि इसके पास मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार एम्प्लॉई हैं। अगर 40-50 हज़ार एम्प्लॉई के लिए अगर ये कैब कराने लगेगी तो फ्रेंड्स समझ रहे हो पूरा नोएडा भर जाएगा। मतलब नोएडा का मतलब जो सेक्टर 60-59 वाला एरिया है वो सारा भर जाएगा, कहने का मतलब यह है। इसलिए मेरे ख्याल से आई एनर्जाइजर जो है कैब प्रोवाइड नहीं कराती है, पहले कराती थी लेकिन अब नहीं कराती है, ठीक है। आपको खुद से कन्विंस करना होगा, खुद ही लगानी होगी, वो लगवा देते हैं। बहुतों को रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुतों को नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे होते हैं और आई एनर्जाइजर से जस्ट 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ही सबने फ्लैट ले रखा है तो वहीं पे ही रह लेते हैं। उनका जितना मान लो 5,000 रुपये अगर कैब देगा, कैब वाले को दोगे आप, तो इससे अच्छा क्या है कि 5,000 रुपये में आप महीना रह लो, बढ़िया, सबसे बढ़िया, दूर क्यों रहोगे। और फ्लैट्स भी अच्छे होते हैं, एरिया भी अच्छा होता है, और मतलब मार्केट एरिया भी होता है, हॉस्पिटल वगैरह सब है अच्छी, यानी कि बेकार है, खाना वाना हर एक चीज़ बढ़िया मिलता है वहाँ पे। अगर हम बात करें प्रोफाइल की, जॉब प्रोफाइल की, काम का हुआ, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने थंबनेल में देखा चैट प्रोसेस होने वाला है, कितना बढ़िया बात है यार। जब चैट प्रोसेस का नाम सुनते के साथ दिमाग एकदम शांत हो जाता है, वॉइस प्रोसेस के नाम पे तो यहाँ दर्द होने लगता है, लेकिन हाँ चैट प्रोसेस में बहुत राहत मिलती है, हद से ज़्यादा राहत मिलती है फ्रेंड्स। उसमें आप पिज़्ज़ा खाते खाते, बर्गर खाते खाते भी आप काम कर सकते हो, लेकिन जब वॉइस प्रोसेस की बात आती है तो वॉइस प्रोसेस में आप पानी तक नहीं पी सकते हो बिना होल्ड करे, तो ये होता है फायदे। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही मज़ा आता है चैट प्रोसेस में, आप जल्दी से काम निपटा लेते हो, हर चीज़ आप बहुत जल्दी से कर लेते हो फ्रेंड। अगर हम बात करें कि इसमें एक्सपीरियंस की मांगी है, यानी कि एक्सपीरियंस की डिमांड है या नहीं है, फ्रेशर्स लग सकते हैं नहीं लग सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने कहीं कोई काम नहीं करा, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, उसके बाद भी आप यहाँ पर जाओ, अप्लाई करो और जॉब प्राप्त करो। देखो मैं पहले बताना चाहूँगा इसमें जो, अगर आप चैट प्रोसेस के लिए, जैसे आप चैट प्रोसेस के लिए हायर हो रहे हो और कम से कम 6 महीना भी अगर यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कोई बॉन्ड साइन नहीं होगा आपका, जब मन करे जब छोड़ दो, ट्रेनिंग के बाद छोड़ दो, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद छोड़ दो। फ्रेंड्स मेरा तो हमेशा से यही मानना रहा है कि कहीं भी जॉब करो तो 6 महीने एटलीस्ट तो करो ही करो। और इसमें देखो ग्रोथ अगर पानी है आपको तो कैसे ग्रोथ मिलती है मैं बता देता हूँ। देखो ग्रोथ इसके लिए क्या होता है कि आप डेडिकेशन के साथ काम करो, जो भी आपको TL सुपरवाइजर आपके जो काम बताते हैं। इनिशियली में क्या होता है कि हम काम नहीं करते हैं, काम हम नहीं करते हैं, छोड़ना अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, काम भी सही से नहीं सीखते, काम भी करते हैं, क्योंकि हम, हमारे माइंड में ये रहता है कि चलना हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन है, इसलिए हम काम नहीं करते हैं, सही से भी काम नहीं करते हैं और लड़ाई वगैरह भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि लड़ाई की अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपकी कभी कंपनी में किसी से तू ताड़ाक हो जाती है या फिर किसी मैनेजमेंट वाले के साथ उसकी बातें अच्छी नहीं लगती आपको, तो हम बहुत बार लड़ लेते हैं उससे। देखो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कॉर्पोरेट लाइन में, इन सब MNCs में क्या होता है कि थोड़ा बहुत ना ये बहुत ही ओपन माइंडेड रहते हैं। ओपन माइंडेड का मतलब बहुत फ्रैंक रहते हैं, आपको कुछ भी अगर चलना चल साले, मतलब एक थोड़ा जो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी अजीबोगरीब होती है। आपको जब शुरू में जा रहे हो, आपने कभी काम नहीं करा और आप पहली बार जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट देख के लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया। लेकिन हाँ आप जैसे जैसे रहोगे, काम करोगे, तो आप भी उसी इसमें ढल जाओगे।
सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि आप किसी भी कंपनी में ऐसी जगह काम काम पे जब जाते हो, कंपनी में, बड़ी कंपनी में खासकर, तो वहां पे कोशिश करो कि लड़ाई ना करो, जॉब स्किप कर दो लेकिन लड़ाई ना करो। क्यों? ऐसा क्या होता है कि अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हो, काम भी इसी इंडस्ट्री में करना चाहते हो, अगर आप काम इस इंडस्ट्री में नहीं करना चाहते हो वो फिर एक अलग बात है कि किसी में भी बजा दो, कुछ भी लड़ाई वड़ाई कर लो, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपको इसी इंडस्ट्री में रहना है तो कोशिश ये करो कि बात टल जाए। अगर आप लड़ाई करते हो तो इन फ्यूचर वो आपके लिए जो कंपनी है ना वो ब्लैकलिस्ट कर देती है और वो फिर ना एंट्री आपकी होगी ही नहीं कभी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ ही हैं चुनिंदा, जो कि देखो आपको क्या है, एक टाइम पे आके ना कंपनी स्विच करनी पड़ती है फ्रेंड्स। क्यों करनी होती है? क्योंकि आपको जो है सैलरी हाइप चाहिए होती है, सैलरी में हाइप चाहिए होगी। कॉमन सी बात है, हर किसी को आजकल के टाइम पे सैलरी में हाइप चाहिए ही चाहिए। तो जब तक आप कंपनी स्विच नहीं करोगे तो सैलरी हाइप बहुत कम देखने को मिलती है। तो आई एनर्जाइजर कंपनी हो गई, टेक महिंद्रा कंपनी हो गई, ईएक्सएल कंपनी हो गई, पैसिफिक कंपनी हो गई, जेनपैक्ट हो गई, ऑप्टम हो गई, R1 RCM हो गई, तो ये सब कंपनी क्या है फ्रेंड्स, ये बड़ी कंपनी है। तो अगर इनमें आप कहीं ना आप अगर यहीं रह रहे हो, अगर आप नोएडा ही काम कर रहे हो, अगर आप इसी इंडस्ट्री में हो, तो आप इन्हीं कंपनियों में घूमते रहोगे, कभी यहाँ जाओगे कभी वहाँ जाओगे कभी वहाँ जाओगे, तो यही चलता रहता है। क्योंकि जो कंपनियाँ हैं ये सबसे अच्छे पैसे यही देती हैं, और फैसिलिटीज वगैरह भी अगर हम देखें तो यही सारी कंपनियाँ अच्छे तौर पर। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि किसी से लड़ाई वगैरह मत करो, कोशिश ये करो कि हाँ भाई मैटर वहीं पर ही सॉल्व हो जाए और आराम से बात हो जाए। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट, कि जब आप जॉब छोड़ते हो तो कोशिश ये करो कि जो आपका TL सुपरवाइजर मैनेजर है उससे अच्छी बॉन्डिंग बना कर ही निकलो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसी कंपनी में अगर आप दोबारा आते हो तो दोबारा आओगे तो रिज्यूमे में मेंशन रहेगा आपका कि मान लो जैसे मैं EXL में हूँ या मान लो मैं पैसिफिक में हूँ, ठीक है, तो मैंने पैसिफिक में मैंने अभी TL से भी बिगाड़ ली, हर किसी से मैंने बिगाड़ ली, और मैंने कहा ठाना मेरे को क्या करना है, मैं एक तो एक साल हो गया और मैं तो कहीं और जाऊँगा, वहाँ बढ़िया काम करूँगा। तो अब मैं यहाँ से मैंने क्या करा, लड़ाई कर ली TL सुपरवाइजर से और मैं चला गया, ठीक है। फिर मैंने कहा चलना मैं कौन सा यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे मैंने 6 महीने काम करा, मैं घर के पास में ही है पैसिफिक कंपनी, तो मैं क्या सोचूंगा कि एक साल बाद फिर मैं यहीं पर ही इंटरव्यू दूँ, बढ़िया अपना है और जॉब भी बढ़िया, काम भी पता, एनवायरमेंट भी पता, सब चीज़ पता है, और सैलरी में हाइप भी मिल जाएगी, तो फिर मैं आता हूँ दोबारा यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में देता हूँ यहाँ पर, जब HR मेरा इंटरव्यू लेता है, जब वहाँ पर रिज्यूमे पर देखता है कि अच्छा पैसिफिक के एक्सएम्प्लॉय रह चुके हो, तो फिर क्या करता है कि वो मैनेजर या सुपरवाइजर जिसके अंडर में आप काम कर रहे थे उससे कॉन्टैक्ट करता है। उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद वो पूछता है आपके बारे में, आपका बायोडाटा लेता है कि काम करने में कैसा है, मतलब बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, हर चीज़ पूछता है, फीडबैक लेता है आपका मैनेजर से या सुपरवाइजर से। अगर वो मान लो फीडबैक उसने बेकार कर दिया फिर तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे ना, कॉमन सी बात है। फिर दूसरी बात, इनके पास एक प्रॉपर डाटा होता है आपका, जो भी काम करते हो हर एक चीज़, जो रेशियो होता है, परसेंटेज होते हैं, मार्क्स होते हैं, हर एक चीज़ जो भी इनका होता है ना इनके पास कलेक्टेड होता है, वो सारी चीज़ें आपको उठा के देख लेते हैं कि लड़का काम करने में कैसा है, ये लड़ाई वड़ाई तो नहीं करता ऑफिस में, बिहेवियर कैसा है इसका, हर एक चीज़ वहाँ पर देखी जाती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कभी भी कंपनी में ना करो, अगर आप किसी एक अच्छे कंपनी में काम करो, तो जब अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके लिए तो खैर सोचना ही नहीं है, लड़ लो कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप एक बड़े कंपनी में काम कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि मामला वहीं आराम से सपट जाए, और यह होना भी चाहिए, लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि मैंने जो, जैसे कि आपको इस कंपनी में अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, जैसा कि आपको लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करोगे तो वहाँ पे मुझे HR का नंबर मुझसे मांग लो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपना इंटरव्यू उनसे स्केड्यूल करा लेना। अंकित HR हैं वहाँ के, ठीक है, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, अंकित HR है उनका नाम, HR का, उनसे आप बात करो, वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना रिज्यूमे शेयर करो और डिटेल शेयर कर दो और बात कर लो कि कैसे क्या कंडक्ट करा रहे हैं वो इंटरव्यू, हर एक चीज़ करा देंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाओ, सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है, और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो सभी।